हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा जो क्लास 12th है ना उनका लास्ट टॉपिक है जो हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट जब से ये कोरोना का केसेस हो गए स्टार्ट तो तब से आप लोग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में है। तो आफ्टर 3 months आई थिंक सो यू हैव कंप्लीटेड दिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो लास्ट टॉपिक है ना आपका दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड दैट इज आई थिंक एक्सरसाइज 7.11 है ना। तो बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इजी टू सम एक्सटेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला लिस्ट नोट करेंगे। अगर बेटा आपके पास इंटीग्रल है ना ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ऑलवेज इक्वल होगा ए टू बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। अगर डाउट है ना मैं क्लियर करूंगा। सपोज आपने कहा मेरे पास सर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपने कहा मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के और बराबर यहां से आपने कहा मेरे पास एफ ऑफ वाई बराबर है वाई वाई के के बराबर। बराबर तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर लो। आपने कहा ये बनेगा ए टू बी एक्स डी एक्स। सर एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए टू बी, जब मैं अपर लिमिट लूंगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। हो गया आपका पहला पार्ट है ना। अब आपने कहा अगर मैं सर यहां दूंगा यह है ए टू बी एफ ऑफ वाई उसकी जगह वाई और डी वाई है ना, लेकिन वाई क्या आएगी सर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू अपर लिमिट ए से लेकर बी तक दैट्स अगेन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो बेटा देखना ये हो रही है इक्वल है ना। तो बेटा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो आपने कहा अगर सर वेरिएबल चेंज करेंगे इस पे असर नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेकर बी एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है दैट इज दिस, जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर, अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है ना दिस इज दिस, अगर ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स अगर हम लिमिट चेंज करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो वैल्यू है ना इंटीग्रल का दैट डज नॉट चेंज बट साइन चेंजेस, दिस बिकम माइनस टाइम्स बी से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स। याद रखना ये प्रॉपर्टी। और यहां पर मैं एक स्पेशल केस सिखाऊंगा, इट इज नॉट प्रॉपर्टी जो इसके बाद है ना। ये मानो आप केस एक है जनरली आया ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट दैट इज जीरो, मीन्स अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है ना तो इंटीग्रल का वैल्यू जीरो है। तो अगर आप कोई पूछेगा आपको क्या एग्जांपल दे दो सर, अगर मैं बेटा एफ एक्स को लूंगा सपोज एक्स इसकी इंटीग्रेशन बोलो। आपने कहा ए से लेकर ए एक्स डी एक्स की आएगी सर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ए से लेकर ए अपर लिमिट देंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू दैट इज जीरो। अब क्लियर? तो याद रखना इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। क्लियर आपको है ना। और बेटा प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर बेटा आपको इंटीग्रल है से ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स दिस इज लाइक इक्वल टू दिस ए से लेकर सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। आप क्वेश्चन है व्हाट इज सी, ये ऐसा है बेटा कंडीशन, अगर ये ए है ये बी है और सी कोई सेंटर में पॉइंट है ए लेस देन सी सी लेस देन बी, दिस मीन्स होल इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं है ना। अगर सी कोई मिड पॉइंट है हम ए से लेकर सी तक कर सकते हैं उसके बाद सी से लेकर बी तक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ विच आई मतलब होली एंड सोली यूजेस इन दिस एक्सरसाइज, जो हम लोग ज्यादा इस एक्सरसाइज में यूज करते हैं ना प्रॉपर्टी दैट इज दिस, ये याद रखना दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी। बेटा ये प्रॉपर्टी याद रखना, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स को किस बार के बराबर लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एंड प्रॉपर्टी नंबर फाइव, ए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कब? कंडीशन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, जब फंक्शन क्या होगी ऑड ऑड। और बेटा यही माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से लेकर ए तक ए तक एफ एक्स डी एक्स। कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दैट मींस इवन फंक्शन अगर होगी, अगर इवन है ठीक है बेटा। और प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, जीरो से लेकर टू ए
fx dx 0 से लेकर 2a इट इज इक्वल टू 0 से लेकर a fx dx प्लस 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x इनटू dx. ठीक है बेटा. एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 0 से लेकर 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर a f of x into dx. मगर कब, इसके लिए कंडीशन याद रखना. इस कंडीशन इफ f of a minus x is equal to fx. अगर f of a minus x किसके बराबर होगा, fx, क्योंकि ये बनेगा ना fx. ये भी क्या है, fx, तो बनेगा ना 2 times 0 से लेकर ये fx dx. दीज आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच वी मेक यूज एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन. बोलना बेटा पहले क्वेश्चन, आप आपको वहां से क्लियर होगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 जस्ट cos square x dx. आपने कहा मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट आई इंटीग्रल इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है ना. आपने कहा बाय दिस प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स. आपने अभी कहा ना दिस इज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डीएक्स है ना. तो बेटा आपने कहा आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डीएक्स. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है ना. तो आपने कहा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज. सर कॉस अब 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स. आपने कहा ये इक्वेशन सेकंड है ना. अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई प्लस आई मिलेगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 दोनों में. यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर. तो आपने कहा दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स. लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दैट इज 1. तो आपने कहा दिस इज 0 टू पाई बाय 2 डीएक्स. सर दैट इज एक्स 0 से लेकर पाई बाय 2 इंटीग्रेशन दैट इज पाई बाय 2 है ना. लेकिन ये 2i मिला आपको, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो i का वैल्यू मिलेगा ना पाई बाय 4. दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल. बोलना बेटा इसके बाद सेकंड क्या है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 जस्ट अ मिनट बेटा, ये अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ा मेहनत करना इस पे. आपने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2. हां बेटा अंडर रूट ऑफ sin x स्क्वायर रूट ऑफ sin x डिवाइड बाय हां स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x. अलग-अलग sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x ऐसे बेटा dx तो आपको क्या मिलेगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इनटू डीएक्स है ना. यस सर. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा दिस इज 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस साइन एक्स प्लस साइन ये बनेगा कॉस एक्स प्लस बनेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर डीएक्स. इक्वेशन सेकंड. अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो बेगड़ा देखना, फर्स्ट और सेकंड में डिनोमिनेटर सेम है ना. तो आपने कहा मुझे मिलेगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड 2i i प्लस i बनेगा 2i 0 टू पाई बाय 2 ऊपर क्या है अंडर रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin cos प्लस रूट ऑफ cos x. लेकिन नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x odx. यस सर. बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो आपको अगेन 2i आपको अगेन 2i मिलेगा. हाँ बेटा आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 dx है ना. सो दैट इज पाई बाय 2 इंटीग्रेशन करके तो i का वैल्यू मिलेगा पाई बाय 4. तो बेटा ऐसे आप कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 5. तो आज के लिए इतना काफी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे करना. ठीक है ओके बेटा.